बलिया की ऐतिहासिक ददरी मेला 25 दिवसीय चलने वाली अचानक बंद हो गया, जिसे देखते हुए व्यापारी विरोध पर उतर गए। जिला प्रशासन के वसूली से परेशान ददरी मेला के दुकानदारों ने अपने अपने दुकानदारों पर पर्दा लटका दिया। दुकानदारों का आरोप है कि जो कभी नहीं हुआ वो इस बार जिला प्रशासन कर रहा है। पहले लट्ठे के हिसाब से जमीन का पैसा लिया जाता था, अब चौहरी पर वसूली हो रही है। मेले के समापन के पहले मेला ठप पड़ गया, जिसके चलते मेले में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। अच्छा, क्या नाम है आपका? जाफर अहमद। जाफर अहमद, कहाँ मौजूद है इस समय? हम मेले ग्राउंड में। अच्छा, दुकानें बंद दिख रही हैं, क्या मामला हो गया? दुकानें बंद हो रही है क्योंकि जमीन का रेट 6000 रुपया लट्ठा था, इस बार 18000 रुपया लट्ठा लिया जा रहा है। कितना? 18000। हर साल सिर्फ फ्रंट नापा जाता था, कटरे का 4 लट्ठा। ठीक ठीक। इस बार अंदर से राउंड घुमा के तीनों तरफ से नापा जा रहा है। अच्छा अच्छा। हर साल कटरे की लाइट फ्री होती थी, इस बार लाइट का पैसा लग रहा है। हर साल सुबह 5 बजे तक लाइट मिलती थी, इस बार 12 बजे रात को लाइट काट दी जा रही है। इसके पहले जिस समय जमीन आवंटन किया गया था, उस समय कितना बताया गया था आप लोगों से? इससे कोई रेट नहीं बताया गया था। पेपर में निकला था, जो पिछले बार लगा था उतना ही लगेगा। इस बार कितना मांगा जा रहा है? पिछले बार सिर्फ हर साल सीधा कटरा नापा जाता था 4 लट्टा, इस बार सामने से नापा जा रहा है। अचानक पूरी दुकानें बंद हो गई, क्या इसकी बात? दुकानदार कहाँ से पैसा देगा? पैसे कहाँ से दिया जाएगा? हर साल बिजली बिलता, बिजली का पैसा ले रहे हो, जमीन का 3 गुना ज्यादा पैसा ले रहे हो, तो दुकानदार कहाँ? शुरू मेले में पैसा झूला जा रहा, लास्ट मेले में झूला। किसी दुकानदार के साथ कोई बदतमीजी की गई थी क्या? इससे ज्यादा क्या बदतमीजी हो सकती है? दुकानदार के गले पे चाकू रख दिया, कह रहे जब करने के लिए, क्या बदतमीजी हो सकती है? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है भाई? हर लट्ठे पे एक लाइट फ्री था, इस बार कोई फ्री नहीं है, सबका पैसा लिया जा रहा है। 100 फीट की दुकान लग रही तो भी एक ही जो है लाइट मिल रही है। पूरी सारी ददरी मेले की दुकानें बंद हो गई। जब तक आप मांग नहीं पूरी होगी, आप लोग क्या करेंगे? जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक दुकानें बंद रहेगी, दुकान नहीं खुलेगी। नहीं खुलेगी। जो पार्किंग लोग लगाए हुए हैं, कोई भी अगर सामान लेके आता तो उसको भी नहीं आने दे रहे हैं अंदर। अपनी गाड़ी रखवा। यूपी साख न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।